तो हेलो गाइस, राम राम, जय सिया राम। आज जो है हम लोग नीमसार जाने वाले हैं, तो अभी हमारा रास्ता शुरू होता है गोला से। आज जो ब्लॉग है हमारा गोला से स्टार्ट होता है। अभी हम चल रहे हैं बुआ जी के यहाँ, वहाँ से दो लोगों को लेते हैं, और अभी हमारे साथ हमसे बड़े भाई प्रशांत भैया हैं, और पीछे बुआ जी के लड़के आदर्श हैं और मैं। तो अभी जो है हम लोग बुआ जी के यहाँ चल रहे हैं, तो वहाँ से दो भाइयों को लेते हैं, फिर चलते हैं नीमसार के लिए। ठीक है, बाहर पहुंच गए हैं बुआ जी के, और ये लोग थोड़ा वॉशरूम गए हुए हैं। तो सामने गांव दिख रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पेड़ यहाँ पे ज़्यादा हैं और इसलिए मकान नहीं दिख रहे हैं। बाकी अभी पहुंच गए हैं, फिर मिलते हैं पहुंच के अभी बिल्कुल जस्ट। भाई साहब, जो सरायन नदी है वही आई हुई है, जो गोला वाली सरायन नदी वही यहाँ आके मिलती है। ये नदी है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बरसात में पानी है इसके ऊपर चलता है, ये पुलिया के ऊपर पानी चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं काई वगैरह काफ़ी ज़्यादा जमी हुई। हाँ, तो ये सामने देख सकते हैं गांव है सामने की ओर। भैया आ चुके हैं बुआ जी के यहाँ, पहुँच गए, और ये राम जी भैया पीछे बैठे हुए हैं। तो ये प्रभात भैया जा रहे हैं, अभी तैयार होकर फिर आते हैं। मोचा भाई का राज है मोचन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ एक लोग और जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अंकित भैया, और ये रामजीत भैया हैं, ये आदर्श है, और ये प्रभात भैया हैं, ये प्रशांत भैया जो गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है वही 6, और ये भैया देखिए कैसे टहल रहे हैं अंकित। हाँ, तो हम लोग नीमसार के लिए निकल चुके हैं। बाकी वो पियरी, हाँ पियरी गाई तो मोबाइल से ना ऐसे गाओ। सरसों के फूल जैसन दहिया गदगदाए। तो हाँ दोस्तों, सीतापुर पहुँच चुके हैं। यहाँ क्रॉसिंग के पास हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि इधर मालगाड़ी निकल जाएगी पीछे की ओर, तो थोड़ी देर रुकना होगा। बाकी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हे गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मिश्री, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पीछे भाई लोग, यहाँ पे कुछ इस तरह से मेला चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए हाथी है, काफी दिनों के बाद देखने को मिला है हाथी। सब मोम की तरीके से कर जाएगा। कहे लाली, अरे तैया थोड़ा मुस्कुरा लिया कर। दादा रे दादा, हाँ चालू करो। चलो मैडम, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। अभी उठ चुके हैं और कुछ समय बाद फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी फ्रेश होने के लिए निकल रहे हैं ये लोग, हो आए हैं और हम भी लोग निकलेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रखी है। दोस्तों, हम लोग तैयार होके बिल्कुल आ चुके हैं। अभी गोमती
पे और हम लोग अभी नहाने के लिए निकलेंगे। तो ये सभी लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके आ चुके हैं। बाकी इधर आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। अभी लोग अभी आ भी रहे हैं और इधर जा भी रहे हैं, तो सामने की तरफ जो है घूमती है। और यहाँ की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस साइड में भीड़ हो गई है। ये लोग नहा रहे हैं और हम लोग जो है नाव में अभी बैठ चुके हैं, उस पार जाएंगे नहाने के लिए। और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। आपको देख सकते हो यहाँ कितने लोग अभी आ रहे हैं, लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो है गंगा मैया के दूसरी बार आ चुके हैं। उधर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। और हम लोग जो है इस साइड में नहाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग खड़े हुए हैं भाई लोग नहाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा है। तो लोग गंगा मैया में नहाते हैं आके यहाँ पे और अपने पाप धुलने आते हैं। तो यहाँ पे ये पाप ना करें जो अनाज को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं लोग, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे बच के रहिए थोड़ा और बाकी पाप तो धुल ही जाएंगे। ना हम बुलवाई देवो सवारी, कहाँ के लिए जाए रहे हो बता। अच्छा आ जाओ, आ जाओ भैया, जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। आप 20 रुपए सवारी हल्की हो या भारी, आ जाओ आ जाओ। कंचनपुर हनुमान गढ़ी कंचनपुर आ जाओ। उधर बोले भैया, हाँ कहाँ जाना, बैठो बैठो, पैसा ना है सही ले लें, बैठो। अरे बैठो भैया, अरे बैठ जाओ भैया, ये तो है दसाई दस दही दे आपो भैया, अरे आ जाओ। हाँ बैठो बैठो, अरे बैठ लो आंटी, कहाँ से बैठो बैठो, अरे बैठो।